और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में मिठाई की दुकान में लगी आग, हादसे में दो लोगों की हुई मौत, लाखों का सामान जलकर खाक। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, हादसे में दो लोगों की मौत हुई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दर्दनाक हादसा जिसमें दो लोगों की मौत हुई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, मिठाई की दुकान में ये आग लगी, कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में दो लोगों की मौत। ये तीन मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें ये स्वीट्स का काम होता था, तो तीन दो गोदाम बने हुए थे, उसके अंदर तेल घी और ये क्या नाम है तुम्हारा डालडा वगैरह सारी सामग्री जो है थी, तो उसमें आग लगी थी जिसको फायर सर्विस की सभी गाड़ियों ने आग पर। कितनी गाड़ियां मौके पर थी? गाड़ियां 10 गाड़ियां थी। 10 कोई कैजुअल्टी सर? कोई दो कैजुअल्टी हुई हैं। दो कैजुअल्टी जी। ये यहाँ पे 55/72 का एड्रेस है, यहाँ पे मिठाई की दुकान है राजकिशोर स्वीट्स। यहाँ पे आज रात में लगभग आधी रात 3:30 बजे के आसपास आग लगी थी, जिसमें कि यहाँ पे जो लेबर काम करती थी वो रात में ऑर्डर होने की वजह से यहीं रुकी थी, तो उसमें दो कैजुअल्टी हुई है और एक इंजर्ड हुआ है। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आ गई? फायर ब्रिगेड लगभग आधी घंटे के अंदर आ पाई थी। ये यहाँ पे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ने मौत की बढ़ाई रफ्तार, 24 घंटे में 871 मरीजों की गई जान, एक दिन में 235,532 नए केस सामने आए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में 871 मरीजों की जान गई है, एक दिन में 235,532 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना ने मौत की रफ्तार बढ़ा दी है, 24 घंटे में 871 मरीजों की जान गई, एक दिन में 235,532 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना लगातार चिंता का कारण बना हुआ है, मौत की रफ्तार बढ़ गई है कोरोना मरीजों की, 24 घंटे में 871 मरीजों की जान गई है, एक दिन में 235,532 नए मामले सामने आए हैं, कोरोना ने मौत की रफ्तार बढ़ा दी है। और कोरोना ने फिर दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, परेशानी बढ़ा दी है, ओमिक्रॉन के बाद अब नए वेरिएंट नियोको ने चिंता बढ़ाई है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट नियोको और इस नए वायरस ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस वायरस की वजह से बताया जा रहा है, जिस तरह से चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 3 में से 1 व्यक्ति की मौत निश्चित है। दक्षिण अफ्रीका में ये नया वेरिएंट मिला है और लगातार दुनिया की चिंता बनी हुई है कोरोना को लेकर। ओमिक्रॉन के बाद अब नए वेरिएंट नियोको ने चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में मिला है कोरोना का ये नया वेरिएंट, तो लगातार कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा है, जिसकी वजह से चिंता बनी हुई है। पहले ओमिक्रॉन और अब ये नया वेरिएंट जो मिला है नियोको, इसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण अफ्रीका में ये वेरिएंट मिला है नियोको, जिसने चिंता बढ़ा दी है। और हमारे सहयोगी शुभम पांडे मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथ। तो शुभम, मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, जबकि जो तमाम राज्य हैं अब पाबंदियों पर ढील दे रहे हैं। जी बिल्कुल रमन जी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 103 मरीजों की मौत हुई है, ये बहुत चौंका देने वाला मामला है। जहां एक तरफ कई प्रदेशों में जो है कोरोना के मामले जो है लगातार उसमें कमी देखने को मिले, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है उसमें लगातार जो है वृद्धि देखने को मिली है।
24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि मुंबई में अब कोरोना की रफ्तार जो है वो फीकी पड़ चुकी है। 1,000 के आसपास जो है नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं पिछले 24 घंटे में एक भी नहीं पाए गए। तो कुल मिलाकर कहा जाए जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार तो कम हुई लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, और कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन का नया वेरियंट BA2 और जो एक और चीज है वो इस वक्त पूरे देश भर में दस्तक दे चुकी है। तो मुंबई सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे, हालांकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब कह रही है कि महाराष्ट्र को मास्क मुक्त करना है और इसके अभियान के लिए वो शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है ये सरकार के लिए जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। जी शुभम, मास्क मुक्त करने की तो बात सरकार कर रही है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से हमने लगातार पिछली बार भी देखा था पूरी तरह से चरमरा गया था, उस दिशा में भी सरकार आगे काम कर रही है कि नहीं? देखिए, जब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने मुंबई में दस्तक दी थी, महाराष्ट्र में दस्तक दी थी, उस पर सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन ऐसी स्थिति यहां पर बन नहीं पाई। सरकार ने ऐलान वादे दावे तो किए थे कि सारे ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो भर दिए गए हैं, तमाम जो बेड की व्यवस्था है वो कंप्लीट कर ली, यहां तक ये भी ना पता है कि मुंबई शहर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई गई जिसका नतीजा ये रहा कि कोरोना के मामले लगातार अब कम होते रहे, यही नतीजा है। सरकार तो अलर्ट थी लेकिन उसी स्थितियां जो दूसरी लहर और पहली लहर हमें देखने को मिली थी वैसी स्थितियां तीसरी लहर में देखने को नहीं मिली। सरकार के लिए प्लस पॉइंट रही कि सरकार इस बार जो है अपने सारे चीजें तो उन्होंने बना के रखी थी, सारे इंतजाम सारे व्यवस्थाएं करा के रखी थी, लेकिन वैसी स्थितियां नहीं हो पाई और यही नतीजा है कि कोरोना के मामले लगातार कम हो गए हैं, सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार अब जो है कोरोना मास्क मुक्त बनाने के अभियान की तरफ जो है जुट चुकी है। हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं, कभी डेल्टा वेरिएंट तो कभी ओमिक्रॉन से दुनिया में तबाही मची हुई है, और अब दुनिया में कोरोना के एक नए वेरिएंट नियोकोव ने दस्तक दे दी है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, ओमिक्रॉन के बाद नियोकोव का खतरा। कोरोना वायरस महामारी के अलग अलग वेरिएंट्स दुनिया के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से दुनिया त्रस्त है। कुछ महीनों के अंतराल पर नया वेरिएंट घर में लोगों को दुबकने को मजबूर कर देता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर के अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ डॉक्टर्स इसे कम घातक बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि यह तेजी से संक्रमित करने वाला वेरिएंट है, लेकिन अब वायरस के एक और घातक वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। नियोकोव नाम का ये नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में ही देखने को मिल रहा है। इस नए वेरिएंट को लेकर चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कहा है कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, नए वेरिएंट की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, 3 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है। हालांकि इसे लेकर राहत की भी खबर है, बताया जा रहा है कि नियोकोव वेरिएंट इससे पहले भी दस्तक दे चुका है। साल 2012 और 2015 में पश्चिमी एशिया के देशों में इसके मरीज मिले थे। दक्षिण अफ्रीका में अभी नियोकोव वेरिएंट चमगादड़ के अंदर देखा गया है। दुनिया पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की मार सबसे ज्यादा पड़ी है, हालांकि अब इसके मामलों में दुनिया के कुछ देशों में कमी दर्ज की गई है। इसी बीच नियोकोव वेरिएंट की दस्तक से दुनिया भर के वैज्ञानिकों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक मारिया वान केरखोव ने कहा ओमिक्रॉन के अलावा दुनिया में एक नया वेरिएंट जल्द ही देखने को मिल सकता है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा तेज गति से फैलने वाला हो सकता है और कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत वाली खबर सामने आई है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। गुरुवार को देश में कोरोना मरीजों में कमी दर्ज की गई। 251,627 नए कोरोना मरीज सामने आए। इस दौरान 3.4 लाख लोग ठीक हुए जबकि 627 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को 286,384 लोग संक्रमित हुए थे और 573 लोगों की जान चली गई थी। बड़े शहरों में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहर मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक अस्पताल में भर्ती मरीजों की तादाद घट रही है। इन शहरों में पिछले साल से 15 दिन के ट्रेंड को देखें
तो लगता है महामारी की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। मुंबई के अस्पतालों में 11 जनवरी को 8,727 कोरोना मरीज भर्ती थे, 26 जनवरी को यह आंकड़ा घटकर 3,384 रह गया, यानी अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या में 61% की कमी दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में 17 जनवरी को 2,782 मरीज भर्ती थे, 26 जनवरी को इनकी संख्या घटकर 2,000 ही रह गई, यानी राजधानी के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में 28% की कमी दर्ज की है। ऐसा ही ट्रेंड दक्षिणी शहर चेन्नई में भी देखने को मिल रहा है। चेन्नई में 12 जनवरी को 1,456 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जबकि 26 जनवरी को शहर के अस्पतालों में 971 मरीज ही भर्ती थे। बेंगलुरु में 18 जनवरी को 315 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जो 26 जनवरी तक 239 रह गए। इस तरह शहर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में कुल 8% की कमी आई है। कोरोना की रफ्तार में भले ही कमी दिख रही हो, लेकिन अभी भी केरल में रफ्तार तेज है। गुरुवार को 51,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले थे, जबकि बुधवार को 49,777 लोग चपेट में आए। वहीं 25 जनवरी को यह आंकड़ा 55,000 से ज्यादा था। प्रदेश में 3,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। अब बात कर्नाटक की करें तो यहां रफ्तार में भले ही कमी दिख रही हो, लेकिन अभी भी काफी मरीज संक्रमित हो रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 38,083 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 48,905 नए मामले मिले थे, जबकि 25 जनवरी को 41,400 नए संक्रमित मामले सामने आए थे। इसी बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोरोना वायरस बूस्टर डोज के ट्रायल की अनुमति दे दी है। ट्रायल 9 अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के चरण 3 बूस्टर डोज अध्ययन के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है। भारत बायोटेक से 3 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए प्रोटोकॉल जमा करने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कोरोना चिंता का भी विषय बना हुआ है और लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। हालांकि जो तमाम राज्य हैं उन्होंने छूट देना शुरू किया है, पाबंदियों में ढील देना शुरू किया है, लेकिन अभी भी कोरोना चिंता का कारण पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। और मेरे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो वीकेंड कर्फ्यू अब खत्म कर दिया गया है और तमाम तरह की जो छूट हैं वो दी जाने लगी हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के अंदर कोरोना के जो नए मामले हैं उनका आंकड़ा जरूर घटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया है पिछले 24 घंटे में 2,35,000 के आसपास नए मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है, परसों अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 600 के आसपास मौत जो है वो पूरे देश के अंदर हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा अब 800 को पार कर गया है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी जो है पॉजिटिविटी रेट वो 20% से ज़्यादा है। केरल की बात करें तो केरल में 50,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत दिल्ली वासियों को है, देश की राजधानी दिल्ली में जो है पिछले एक सप्ताह में लगातार केसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 4,000 के आसपास जो नए मामले हैं वो देखे गए, और सबसे अहम बात है रमन की जो पॉजिटिविटी रेट है वो तकरीबन 8.5% के आसपास आ गया है, जो पॉजिटिविटी रेट पिछले 15 दिन पहले 30% पर जाकर पहुंच गया था। तो ऐसे में दिल्ली वासियों को राहत देनी भी शुरू कर दी है। 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर जो है वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया, इसके अलावा जो बाजार में ओडीवन के तहत दुकानें खुलती थी उस नियम को भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो पाबंदी लगी हुई थी उनको दिल्ली सरकार हटाना शुरू कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार लॉकडाउन के पक्ष में कमी नहीं रही है। और फिलहाल मौजूदा समय की दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो ज्यादातर जो बेडेड की संख्या है वो फिलहाल खाली है। हाँ, लेकिन बिल्कुल नमित, और जिस तरह से लेकिन मौत के आंकड़े अभी आ रहे हैं उसको लेकर क्या कोई बैठक हुई है उससे बचने के लिए कि ये जो कोरोना है वो फेटल ना हो लोगों के लिए?
देखिए फिलहाल दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे में 25 मौतें हुई हैं। हालांकि इससे पहले बात करूं तो 34, 35, 40 तक मौत का जो आंकड़ा है वो गया है, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि जो कोरोना इस बार आया है उसके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी माइल्ड है। इसी वजह से जो है लोग ज़्यादातर होम आइसोलेट हो रहे हैं और घर पर ही खुद को ठीक करने की कोशिश करें, ज़्यादातर लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं। हालाँकि जैसा आपने जिक्र किया कि जो मौत का आंकड़ा है वो फिलहाल जो है दिल्ली वालों के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि जब तक ये आंकड़ा 10 से अंदर नहीं आएगा तो लोगों को जो है राहत नहीं मिलेगी। 25 जो है मौत का आंकड़ा वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है एक दिन के लिहाज से अगर हम बात करें, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो आंकड़े हैं वो रोजाना घट रहे हैं। पिछले 5 दिन में लगातार ये जो ग्राफ है कोरोना का राजधानी दिल्ली की बात करें तो बेहद कम हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे दिल्ली सरकार के ऊपर कि क्या दिल्ली सरकार टेस्टिंग जो है वो अब कम कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी रोजाना दिल्ली सरकार आंकड़े सामने रख रही है कि 50,000 से ज़्यादा जो जाँच है यानी कि टेस्टिंग है वो दिल्ली के अंदर फिलहाल हो रही है। बिल्कुल नमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।